तो नमस्कार, देश की बात में बड़ी खबर इस समय आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई आ रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा से सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के एक्साइज मामले में दिन भर पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। सुबह ही ईडी के लोग उनके घर पहुंच गए थे। मेरे दोनों सहयोगी शरद शर्मा और सौरभ शुक्ला संजय सिंह के निवास स्थान में मौजूद हैं। पहले मैं शरद आप ही के पास आऊंगी, आप लोग वहां पर तैनात हैं। ये एक्साइज मामले की बात थी, कहा जा रहा था एक आरोपी है जो सरकारी गवाह बन गया है, मुलाकात की बात थी, लेकिन ये गिरफ्तारी की नौबत कैसे आ गई? निधि, देखिए, संजय सिंह आरोपी नहीं है इस मामले में। संजय सिंह सरकार में नहीं है, इसलिए कोई ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं है। लेकिन संजय सिंह के नाम का रेफरेंस यहां पर चार्जशीट के अंदर आया था जो ईडी ने दायर की थी। रेफरेंस क्या था? रेफरेंस ये था, कहा यह जा रहा था कि जो दिनेश अरोड़ा है जो आरोपी है इस मामले में, लेकिन अब सरकारी गवाह बन गया है ईडी के मुताबिक, तो दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे उनसे मिलवाने का काम या उनसे मिलवाने की जो कड़ी थी वो संजय सिंह थे। तो इस तरह से रेफरेंस संजय सिंह के नाम का आया। ये हालांकि ये अपने आप में खाली नाम आ जाना जो है सब कुछ नहीं है, लेकिन इसके आधार पर ईडी ये जरूर पूछताछ कर सकती है कि क्या कोई मिलवाने में किस तरह का रोल था और क्यों मिलवाया था, क्या कोई गड़बड़ी करने के लिए या करप्शन करने के लिए या पॉलिसी बनाने के लिए ये मुलाकात हुई थी, या फिर मुलाकात वैसे ही हो गई थी लेकिन आगे जाकर इस तरह की कोई आपने आपस में बातचीत करी या कुछ गड़बड़ी हुई है, तो इसके आधार पर संभव है कि ईडी ने पूछताछ की। और अब समझा यह जा रहा है कि क्योंकि ईडी ने सर्च के दौरान, ये रेड नहीं थी, ईडी ने कहा कि ये सर्च चल रही है, तो सर्च के दौरान ही पूछताछ की। सुबह 7 बजे ईडी के लोग आ गए थे और अब लगभग 6 पार का समय हो गया, यानी 11 घंटे ज्यादा का समय हो गया है। तो ईडी को कुछ संभव है कि कुछ मिला हो, कुछ उसने कड़ियां जोड़ी हो, कुछ बयान या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे मिले हो जिसके आधार पर ईडी ने गिरफ्तारी की। अभी संजय सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मैं घर पे हूं उनके, गिरफ्तार तो किया गया है, लेकिन अभी लेके ईडी जो है नहीं निकली है। बिल्कुल, आप बने रहिए वहां पे। शरद, सौरभ भी हमारे साथ मौजूद है और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है विरोध भी कर रहे हैं, उनके साथ कोई प्रवक्ता भी है। जी सौरभ, देखिए निधि, जो सूत्र बता रहे हैं अंदर से कि ईडी ने कहा है संजय सिंह को जो गिरफ्तार कर रहे हैं ग्राउंड है कि उनको की कॉन्स्पिरेटर बताया है कि पूरे लिकर पॉलिसी को ड्राफ्ट करवाने में, उसके लिए लॉबी करने में मुख्य साजिशकर्ता संजय सिंह भी। हमारे साथ वैभव हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के। वैभव, क्या पता चल पा रहा है अंदर से, आप लोग क्या एसेस कर रहे हैं अभी? देखिए, सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि ये की कॉन्स्पिरेटर बनाने का मतलब ये की कांटा है मोदी के गले के, और इन्होंने जब तक जब ईडी ने इनके ऊपर, हमारे ऊपर कार्रवाई करी है, लोग विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करी है, देश में एक आवाज़ बस ऐसी थी संजय सिंह की जो हमेशा आकर सामने, जिसने खिलाफत करी और ईडी का उल्टा बेनकाब करा। पिछली बार ईडी ने इनका नाम डाल दिया था, उसके ऊपर जब रिएक्शन किया गया तो ईडी ने माफ़ी मांगी। तो ये अब मोदी के गले का कांटा बनते जा रहे थे संजय सिंह। अभी पता चल रहा है कि एक अप्रूवर, दो अप्रूवर फर्जी नामों के सहारे से सो कॉल्ड ट्रांजैक्शन इनको दिखा रहे हैं और करके इनको मेन। वैभव, देखिए, की सिग्नेटरी तो है नहीं, इनके साइन से पॉलिसी बन नहीं सकती क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं है। जो दिनेश अरोड़ा का एक जो पुराना स्टेटमेंट जो डॉक्यूमेंटेड है उसमें ये कहा कि 82 लाख रुपए का एक फंड रेजिंग इवेंट किया था और दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाने वाले संजय सिंह थे। तो क्या जो 82 लाख रुपए जो फंड रेज किए गए, जो दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं किए गए नहीं पता, वो दिनेश अरोड़ा कह रहा है, क्या वो लीगल तरीके से किए गए थे? भाई, ये कह रहे हैं कि ये हजारों करोड़ का फंड अब तक बता चुके हैं, अगर इनका सारे एलिगेशंस को जोड़ दें तो हजारों लाखों करोड़ का फंड बन जाएगा, लेकिन वो कहीं है कहाँ, वो हवा में है फंड, वो मिलता नहीं, उसकी कोई ट्रेल नहीं मिलती, वो कैश नहीं मिलता, वो कोई अकाउंट में नहीं मिलता, वो किसी के लेन देन रिकवर नहीं होता। तो ये इनके सपनों में आ रहा है क्या, कौन सा शराब घोटाला, ये रात को शराब पी के नशे में आकर तब इनको लगता है कि नेताओं को फंसा। अब आप लोग क्या करेंगे, आम आदमी पार्टी अब क्या करेगी, आपके आगे की स्ट्रैटेजी क्या है? क्योंकि यहाँ पर देखिए निधि, लगातार जो घेरेबंदी है वो होते जा रही है, डिप्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं, तो मुझे को लगता नहीं कि बहुत, आप जाहिर सी बात है कार्यकर्ता जज्बाती हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस या प्रदर्शन होगा। अब क्या करेंगे आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, संजय सिंह हैं, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, मिटे ना जो, हम वो इनकलाब हैं और ये संजय सिंह की सेना है। इन ईडी, ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट से हम लोग डरने वाले नहीं है, ये आके मनोरंजन करते रहे, कभी इसके घर, कभी हमारे घर, कभी हमारे साथियों के घर। ये जो लड़ाई है ना, ये मोदी की जो तानाशाही है ना, ये बंद नहीं होने वाली। आप 1000 संजय सिंह अरेस्ट करो और 1000 संजय सिंह नए पैदा होंगे। ठीक है निधि, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पॉइंट बताना चाहेंगे आप। देखिए, संजय, अरविंद केजरीवाल के 3 मुख्य चेहरे, अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया जेल में, सतेंद्र जैन जेल में, और सबसे मजबूत आवाज
अरविंद केजरीवाल की, संजय सिंह जो कि जो समूचा विपक्ष इंडिया की भी एक आवाज है, उनका उनकी भी जो है अरेस्ट होने वाली। अब ईडी को क्या मिल गया आज सर्चेज में, क्योंकि मई महीने में संजय सिंह के तीन जो करीबी सहयोगी हैं सर्वेश मिश्रा, विवेक और अजीत त्यागी के घर पर भी सर्चेज हुई थी, रेड हुई थी, उनको भी गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उनके फोन लैपटॉप कॉन्फिस्केट किए गए थे और आज उसके बाद उनके बयानात लिए गए थे। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार अचानक संजय सिंह पर ये यहाँ पर आ गई ईडी और रेड हुए, उससे पहले उनके सहयोगियों पर पूछताछ हो चुकी थी। आज ऐसा क्या मिल गया, क्या जो मगुंटा रेड्डी जो एक और इसमें आरोपी है निधि, जो वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे हैं, वो भी अप्रूवर यानी सरकारी वकील गवाह बन चुके हैं, क्या उनका कोई नया बयान आया? दिनेश अरोड़ा ने क्या एक और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया है, उसमें क्या मनी ट्रेल सामने आ गई है? तो मनी ट्रेल आई है तो कैसे सामने आई, क्योंकि जैसे शरद बता रहे थे कि संजय सिंह हिस्सा नहीं थे सरकार की, उनकी सिग्नेचर से कुछ हो नहीं सकता था, वो सांसद राज्यसभा के ना सरकार में है ना सरकार का हिस्सा है, तो देखना होगा कि ईडी किस बिना पर उनकी गिरफ्तार करे, लेकिन ये तय है कि उनको मुख्य साजिशकर्ता जरूर जो है ईडी आगे बताएगी। ऐसी जानकारी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, अंदर से कुछ ऐसे संदेश आ रहे हैं और किसी भी वक्त संजय सिंह को यहाँ से ईडी लेकर के जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम दृश्य पे बने रहेंगे। शरद, अगर आप इस पे कुछ और जोड़ सके कि देखिए जिस तरह से संजय सिंह हैं एक बहुत महत्वपूर्ण साथी अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया और के साथ जैन भी अभी देख सकते हैं जेल के अंदर हैं, इनका जाना कितना बड़ा नुकसान है अरविंद केजरीवाल को। और साथ ही आप बता रहे थे कि जो इंडिया ब्लॉक के साथ जो तालमेल था वो संजय सिंह ही कर रहे थे, तो एक राजनीतिक आघात भी है अरविंद केजरीवाल के लिए। बड़ा राजनीतिक आघात है निधि, क्योंकि आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल के साथ के जो नेता हैं वो कौन थे, या तो मनीष सिसोदिया या संजय सिंह सरीखे नाम थे, जो हम मानते थे कि ये अरविंद केजरीवाल के लगभग ये बराबर के हैं, थोड़े हम कम ज़्यादा जरूर मान सकते हैं लेकिन बराबर के थे। लेकिन मनीष सिसोदिया भी जो हैं, जो अरविंद केजरीवाल के दूसरे नंबर के करीबी नेता माने जाएं या सबसे करीबी नेता माने जाएं, दूसरे नंबर के पार्टी में नेता माने जाते थे, तो मनीष सिसोदिया पहले से ही इस मामले के अंदर अभी जेल में हैं। और संजय सिंह जो हैं वो इस समय माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी से करते हैं, सबसे ज़्यादा फैसले अगर किसी से बात करने के बाद लेते हैं, तो वो और कोई नहीं संजय सिंह ही थे। और कई बार हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ ऐसे फैसले कर लिए जो संजय सिंह को लगा कि नहीं ये ठीक नहीं रहेगा, तो अकेले संजय सिंह थे जो उनको समझाकर और फैसले को एक ऐसे मोड़ में लेके आते थे कि बाकी सबको जो है पार्टी में या दूसरी पार्टियों में भी ठीक लगे। और ये जो इंडिया ब्लॉक, जैसा कि आपने बताया, इंडिया ब्लॉक में आम आदमी पार्टी की एंट्री कैसे हुई, कैसे जो है बहुत ख़राब रिश्ते कांग्रेस के साथ होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनी, और कई बार आम आदमी पार्टी की जो डिमांड थी वो कांग्रेस जो है पूरी करती हुई नजर आई, तो उसका श्रेय जो है काफ़ी हद तक संजय सिंह को दिया जा रहा था। लेकिन अब जब संजय सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल के पास चर्चा करने के लिए जो नाम बचेंगे वो सेकंड लाइन के नेता होंगे, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, राघव चड्ढा, लेकिन वो जो नाम जो आंदोलन के समय के मुख्य नाम थे वो अब अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं होंगे, तो ये एक बहुत मुश्किल समय अरविंद केजरीवाल के लिए आ गया है। बेशक दो राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं, लेकिन बेहद करीबी लोग जिनके साथ वो चर्चा करते थे, जिनके साथ वो पॉलिसी बनाया करते थे और कई जगह मामले को संकट मोचक बन के निकालना है, तो अरविंद केजरीवाल के संकट मोचक जब मनीष सिसोदिया नहीं थे तो उस समय पर संजय सिंह बने हुए थे, तो अब जब संजय सिंह नहीं होंगे तो अरविंद केजरीवाल के लिए राजनीतिक और निजी तौर पर भी एक मुश्किल जरूर आएगी। और अब देखिए पूरी भूमिका बन गई है संजय सिंह को गिरफ्तार करके यहाँ पर लाने की, दोनों तरफ देखिए ये पैरामिलिट्री तैनात कर दी गई है और बीच में कुछ पुलिस के अधिकारी हैं जो मीडिया पर्सन को एक तरफ हटा रहे हैं, बैरिकेड्स भी खींचे जा रहे हैं ताकि एक सेफ पैसेज जो है जब गिरफ्तारी हो संजय सिंह की तो बिना किसी रुकावट के संजय सिंह को यहाँ से ले जाया जा सके। निधि, ये एक और बताने वाली बात है कि बेशक इसमें कहा जा रहा है कि रेफरेंस है संजय सिंह के नाम का कि एक फंड रेजिंग पार्टी की गई, लेकिन इसके अंदर समझने वाली बात है कि ये फंड रेजिंग पार्टी 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय की है
और उसका पैसा बताया जाता है कि दिल्ली चुनाव के समय में लगने की बात थी। तो इसी पर जो है आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जब पॉलिसी ही 2021 की है ये और 2020 में इसकी शिकायत हुई है, तो 2020 में जब दिल्ली चुनाव थे तब तो इसका कोई अस्तित्व था ही नहीं, तो फिर इसके अंदर कैसे फंड रेजिंग करना कैसे गुनाह हो गया, तो ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है। संभव है कि ये मामला भी कोर्ट में जाएगा, ईडी को भी ये साबित करना होगा कि मनी ट्रेल कहाँ पर है, पैसा कहाँ मिल रहा है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ये एस्टैब्लिश करना ईडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ईडी का केस ही मनी ट्रेल के लिए होता है कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, यही मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो ईडी को अभी ये एस्टैब्लिश करना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एस्टैब्लिश जब होगा तब होगा, लेकिन उससे पहले ईडी के केस में गिरफ्तारी होने पर जो समस्या आती है वो ये है कि आसानी से जमानत नहीं होती, क्योंकि जिम्मेदारी खुद को निर्दोष साबित करने की पूरी जिम्मेदारी आमतौर पर जांच एजेंसी के ऊपर होती है कि वो प्रूव करे कि दोषी है, लेकिन ईडी के मामले में ऐसा होता है कि जो आरोपी है उसको ये साबित करना होता है कि उसने दोष नहीं किया है, वो निर्दोष है, तो ये साबित करना जो है आसान नहीं होता। मनीष सिसोदिया लगभग 7 महीने हो गए, फरवरी के आखिरी में गिरफ्तार हुए थे, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी सुनवाई हुई है, कल भी चलेगी, लेकिन अभी तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। सत्येंद्र जैन बेशक 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल मान लीजिए, लेकिन अभी तक भी उनको फुल बेल नहीं मिली है, रेगुलर बेल नहीं मिली है, केवल इंटरिम बेल है जिसके आधार पर वो 1 साल बाद जेल से बाहर निकले थे। तो अब अगर संजय सिंह गिरफ्तार हो जाएंगे तो यही मानना पड़ेगा कि आसान नहीं होगा बाहर आना, क्योंकि जमानत जो है केस का तो जो है सो है, वो तो अदालत देखेगी, ईडी को साबित करना होगा, लेकिन जमानत मिलना भी इस मामले में आसान नहीं होता। बिल्कुल, अगर शरद इसी से पार्टी की अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बिल्कुल कम होने का नाम नहीं ले रही। बिल्कुल, हमारे हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं आप, जो आप लोग भेज रहे हैं। यहाँ पर एक ये समय भी आया था जब संजय सिंह ने बाद में वित्त सचिव को खत लिखकर आरोपों को नकारा था। संजय सिंह ने दावा किया था कि छवि बिगाड़ने के लिए उनका नाम लिया गया, तो इस सब का क्या असर हुआ था? देखिए, ये बताना जरूरी है, आपने एक पॉइंट ये इसमें बताया है, हुआ ये था कि जो रेफरेंस आया था चार्जशीट में, उसमें यह भी कहा गया था कि संजय सिंह से एक कारोबारी ने बात की और अपनी दुकान, शराब की दुकान, पश्चिमी दिल्ली से ओखला में शिफ्ट करवा ली हिमांशु संजय सिंह से कहकर। लेकिन जब संजय सिंह ने लीगल नोटिस भेज दिया कि मैं आपके ऊपर मानहानि का केस करूंगा, आपने मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया, मुझे बदनाम करने की कोशिश की है, तो पहली बार हुआ कि ईडी के डायरेक्टर ने अपनी गलती मानी और यह कहा कि इस मामले में राहुल सिंह को गलती से संजय सिंह लिख दिया गया है। राहुल सिंह जो कि एक्साइज कमिश्नर थे, यानी कि इस वाले रेफरेंस में संजय सिंह का कोई लेना देना नहीं था, गलती हो गई थी ईडी से, ईडी ने अपनी चूक मानी, टाइप वगैरह इसको बताया गया था। लेकिन बाकी जो संजय सिंह के नाम के रेफरेंस आए वो जो है ईडी ने नहीं हटाए थे, और उसको ही संभव है ईडी ने एस्टैब्लिश करने की कोशिश की हो कि कैसे ये जो मुलाकात संजय सिंह ने करवाई थी दिनेश अरोड़ा और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच में, तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बीच में, तो वो किस तरह से जो है आगे जाकर करप्शन करने में तब्दील हुई, ये एस्टैब्लिश करना है ईडी को। संभव है कि आगे जाकर वो इसमें एस्टैब्लिश करे, हमें पता नहीं है कि ईडी को क्या मिला है, ईडी के पास क्या है, क्या कुछ बयान आ गए हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे आ गए हैं, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का एक बड़ा स्तंभ आज जो है फिलहाल गिरते हुए दिखाई दे रहा है। गिरते हुए इसलिए कि फिलहाल संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको जेल जाना होगा, और अभी जो है उनको घर से बाहर लाने की और ईडी दफ्तर ले जाने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो भी जता रहे हैं। बिल्कुल शरद, आपके पास आएंगे। सौरभ, आपसे आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मिले थे, वो कह रहे थे कि की कॉन्स्पिरेटर की बात कही जा रही है, शायद इस तरह का आंकलन वहाँ पे किया जा रहा था। क्या आगे कार्यकर्ताओं का विचार है? कई बड़ी मात्रा में वहाँ पर वो लोग मौजूद भी हैं, लेकिन हम देख सकते हैं पुलिस बल है वहाँ पे, वो व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी भी हम देख सकते हैं किसी भी पल संजय सिंह इस दरवाजे से बाहर आएंगे और उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिस तरह से जानकारी है। क्या परिस्थितियाँ हैं वहाँ पर सौरभ? अभी देखिए तस्वीरें दिखाते हैं, पूरा जो है बैरिकेड कर दिया है
आप देखें पूरा घर जो बैरिकेड कर दिया है, उनके जो कार्यकर्ताओं को यहां से रोक दिया गया है कि कोई अब जो है इनके घर के तरफ नजदीक नहीं आ सकता, क्योंकि जैसे ही खबर मीडिया में आई कि अरेस्टिंग होगी वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे उनके जो घर का पीछे का दरवाजा भी है वहां से भी पत्रकारों को हटा दिया गया है। यही कहा जा रहा है कि पीछे से भी ले जाया जा सकता है। आम आदमी पार्टी के कुछ बड़े नेता धीरे धीरे आप पहुंच रहे हैं, अभी तक कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, लेकिन अभी सोमनाथ भारती जरूर यहां पर आए हैं, जो कि वकील भी हैं और जो वकीलों की एक टीम भी आपको नजर आएगी जो यहां पर पहुंची हुई है। तो आप देखना होगा कि क्या कुछ कह रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर नारेबाजी तो कर रहे हैं, पर चूंकि नॉर्थ एवेन्यू लटियंस में है, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही काफी चाक चौबंद रहती है, तो बहुत ज्यादा प्रदर्शन यहाँ पर करने नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से पुलिस बल बढ़ता जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स बढ़ती जा रही है निधि, ये हम कह सकते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता है तो पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स के दो जवान उनके ऊपर हैं, तो ज्यादा लोग भी यहाँ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। अब क्या होगा आगे, कैसे स्ट्रेटेजी करेगी आम आदमी पार्टी, जैसे कि बहुत तरीके से समझाया कि राजनीतिक तौर पर जो अरविंद केजरीवाल के दो सबसे मजबूत लोग थे, मजबूत पिलर थे, मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह, दोनों ही गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब जो तीसरे लेवल पर जो नेता आते हैं, चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, और देखिए ऐसा लग रहा है कि कुछ सुगबुगाहट हुई है और उनको निकाला जा रहा है, दरवाजा खुला है, हमारे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, दरवाजे के आगे ही जो है कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के बैठे हुए हैं, तो इनको भी हटाया जाएगा, बसेस लग गई हैं, तो जितने भी कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे हैं इन सबको यहां से पहले हटा कर ले जाया जाएगा। और ये देखिए गाड़ी जो है वो अंदर जा रही है, निधि आपको अंदर जाते हुए ये गाड़ी नजर आएगी, ये अंदर जा रही है गाड़ी और इसी में बैठा करके हो सकता है कि संजय सिंह को ले जाया जाए। ये अर्टिगा गाड़ी आपको अंदर बैक करके जाते हुए नजर जा रही है, कार्यकर्ता जो है आम आदमी पार्टी के डटे हुए हैं, वो गाड़ी को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं और धीरे धीरे जो है आपको नजर आएगा कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो पुलिस बल भी लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह 6 बजे से ईडी की टीम यहां पर पहुंची हुई है, 12 घंटे की पूछताछ लगभग हो चुकी है संजय सिंह से। आप संजय सिंह से पूछताछ में क्या निकल करके आया है, किन जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं है, तो वो देखना होगा कि ईडी क्या कहती है। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के जो कुछ सीनियर लीगल टीम के लोग हैं, उन्होंने कहा कि ये संकेत जरूर मिले हैं कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ संजय सिंह को भी बताया जा रहा है कि वो भी पूरे मामले में की कॉन्स्पिरेटर हैं। तो आप धीरे धीरे आप देखेंगे यहाँ पर जो है सोमनाथ भारती आ गए हैं, सुन लेते हैं सोमनाथ भारती क्या कुछ कह रहे हैं। तंग करने के लिए उनके साथियों को अरेस्ट कर रहे हैं बार बार, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया हुआ है, पिछले कई महीने से अरेस्ट किया हुआ है, एक धेले का सबूत नहीं है, एक पैसे की रिकवरी नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कुछ नहीं है। एक लौता केस है भारत के इतिहास में, जहां पहले लोगों को अरेस्ट करो, उस पे से कुछ को बोलो तो अप्रूवर बन जा, अप्रूवर नहीं बनेगा तो तुमको मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे। और ये कैसा केस है, एक भी सबूत सीबीआई के पास, ईडी के पास नहीं है, अप्रूवर के मार्फत इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। तो रहा हूँ अगर आपको मैं जेल में बंद कर दूं और फिर उसको दबाव डालूं कि तुम्हारे परिवार के साथ अन्याय करूंगा, तुम्हारा कान फाड़ दूंगा, तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, तो किसी को भी दबाव में डालोगे इस प्रकार हरकत करा सकते हो? रणनीति क्या रहेगी आप लोगों की? रणनीति हमारी साफ साफ है, हम संघर्ष करेंगे, जनता के पास जाएंगे, सड़क पर भी, संसद में भी, असेंबली में भी, कोर्ट में भी, बीजेपी कह रही है सहयोग करिए जांच से कि वो आप लोग भाग रहे हैं। ठीक है, तो आपने सुना निधि, आप देखिए यहाँ से जो है वो ले जाया जा रहा है, जो अंदर जो है गाड़ी चली गई है और बाहर जो है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। हम और नजदीक से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो अंदर आ गए, उनको देखिए हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस जो है इनको हटा रही है, थोड़ा हल्का बल प्रयोग भी आप देखिए इनको जो है हटाया जा रहा है, यहाँ से जो कार्यकर्ता बाहर बैठे हुए थे उनको हटाया जा रहा है, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि जो है गाड़ी अंदर जा सके, क्योंकि गाड़ी अंदर जाने नहीं दे रहे थे कार्यकर्ता, तो कार्यकर्ताओं को हटा करके जो है ये देखिए थोड़ी सी धक्का मुक्की जरूर आपको नजर आएंगे, कार्यकर्ता जो नारे लगाते हुए जो आम आदमी पार्टी की एक पार्षद नजर आ रही है, देखिए ये पार्षद आम आदमी पार्टी की, ये देखिए इनको जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है निधि, तो ड्रामेटिक विजुअल्स हैं जो यहाँ पर जो है आपको नजर आएंगे, जो कार्यकर्ताओं को जो है यहाँ से हटाया जा रहा है, जो ईडी के अधिकारी है वो अंदर है, वो गाड़ी देखिए अर्टिगा गाड़ी जानी थी वो अर्टिगा गाड़ी अंदर जा चुकी है, उसी गाड़ी में बैठा करके संजय सिंह को ले जाया जाएगा और बाहर जो है उनके कार्यकर्ता जो है जमीन पर लेट रहे हैं,
उनको रोका जा रहा है, देखिए जो कार्यकर्ता उनको हटाया जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पहले से तैनात हैं और कार्यकर्ता, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो कार्यकर्ता है जो महिला कार्यकर्ता भी हैं वो भी जो है यहाँ पर जो गेट के आगे गाड़ी अंदर ईडी के अधिकारी जो है उनकी गाड़ी अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो आप देखिए निधि यहाँ पर जो है टकराव की स्थिति हल्की फुल्की बन रही है, लेकिन ये तय है कि थोड़ी देर में संजय सिंह को यहाँ से ईडी के कार्यालय ले जाया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, औपचारिक तौर पर उनको यहाँ से थोड़ी देर में ही निकाला जाएगा। बिल्कुल शरद के पास चलते हैं, आपके पास आएंगे शरद। अब आपके पास आगे पीछे दोनों गेट में आप लोग तैनात हैं और देख सकते हैं जो अर्टिगा गाड़ी है वो अंदर जा चुकी है और एक हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं इस समय कि कार्यकर्ता वहाँ पर किस तरह से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर मौजूद है। मैं ये देख रही थी शरद, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया, काफ़ी समय हो गया है। सोमनाथ भारती वहाँ पर पहुँचे हैं क्या, और कोई बड़े नेता पहुँचने की उम्मीद है वहाँ पर? नहीं, देखिए अरविंद केजरीवाल का ट्वीट नहीं, पूरा बयान ही आ गया था और एक स्ट्रेटजी भी बनती है पार्टी की कि किस तरह से इस मामले को हैंडल करना है। खाली प्रदर्शन करने से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा ना हो कि प्रदर्शन के दौरान ही आपके प्रमुख नेता अगर गिरफ्तार हो गए तो फिर आप आगे की रणनीति कैसे बना पाएंगे। अब आप देखिए बहुत तेजी से यहाँ गतिविधियां बढ़ गई हैं और आम संजय सिंह के घर को कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से घेर लिया है। ये देखिए जो दीवार है उस पर चढ़ गए हैं और चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। असल में संजय सिंह जो हैं पार्टी के, जैसे ही मैंने कहा, और ये देखिए संजय सिंह बाहर आ गए हैं, हाथ हिला रहे हैं, हैंड्स वेव कर रहे हैं। ये देखिए सुबह से पहली बार संजय सिंह दिखाई दिए हैं और संभव है कि ये कार में बैठने से पहले संजय सिंह की तस्वीर हो और उससे पहले संजय सिंह ने अपने सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया और उसके बाद अब संजय सिंह गाड़ी में बैठ गए हैं। और लेकिन कार्यकर्ता आसानी से सुरक्षा बलों को संजय सिंह को ले जाने नहीं देंगे और सुरक्षा बलों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और देखने को खूब मिल रही है। लेकिन ये देखिए ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पुलिस है, ये जोर आजमाइश चल रही है, ये होना मारपीट नहीं होनी चाहिए। देखिए नेता के लिए कार्यकर्ता जरूर जी जान लगाता है, भावनाएं उसकी जुड़ी होती हैं, लेकिन इस सब के बीच में संजय सिंह निकल रहे हैं, संजय सिंह की गाड़ी, संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये देखिए बीच में संजय सिंह दिखाई दे रहे हैं और ये देखिए ये रहे संजय सिंह हैंड्स वेव करते हुए और पार्टी के कार्यकर्ता ये गाड़ी, और देखिए एक लड़की गाड़ी के नीचे लेट गई है, गाड़ी के नीचे आ गई है, पुलिस ईडी ने गाड़ी रोकी है। अब देखना होगा क्या लड़की चोटिल भी हो गई है। ये जोश और जुनून इस तरह से भी अच्छा नहीं कि आपकी जान ही जोखिम में आ जाए। और किसी तरह से आखिरकार ईडी संजय सिंह को ले गई है, काफी मशक्कत करनी पड़ी है सुरक्षा बलों को, लेकिन आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है। और कार्यकर्ताओं ने यह बताना होगा कि इतना ज्यादा जोश और जुनून शायद संजय सिंह की मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के समय भी नहीं दिखाया था, जितना जोश या जितना जुनून आज संजय सिंह की गिरफ्तारी पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिखाया है। बिल्कुल शरद, अब सांस ले लें, शरद अब सांस लें, संजय सिंह गिरफ्तार होकर जी शरद अब सांस ले लें, सौरभ के पास चलें, आप थोड़ा सांस ले लीजिए जी जी सौरभ, गिरफ्तारी जो है संजय सिंह की हो गई है, उनके कार्यकर्ताओं को रोका गया, इतनी रेजिस्टेंस दिखाई गई, आप देखिए जो है उनके कार्यकर्ताओं को यहाँ पर कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनके कार्यकर्ता गाड़ी के आगे नीचे हो गए, उनके जो सहयोगी हैं सर्वेश वो जिनको ईडी पहले पूछताछ कर चुकी है निधि वो भी यहाँ पर मौजूद है, काफी नारेबाजी होल्ले के बीच में गिरफ्तार कर लिया गया है, काफी जो है मशक्कत करनी पड़ी निकालने के लिए। और आप देखें यहाँ पर, ये देखिए तस्वीरें देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ के ले जाया जा रहा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तमाम वो कार्यकर्ता हैं। क्या क्या किया इन्होंने, क्या किया इन्होंने, क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, संजय सिंह को रोक रहे हैं, संजय सिंह को रोक रहे हैं, क्या होगा, तो आप ये जो है गिर खंड लावांगे तो वहां तक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है थोड़ी जो है लाठी भी चलाई गई है और यहाँ पे गिरफ्तारी हो गई है, तस्वीरें देखिए यहाँ पर जो,
बताइए क्या हुआ? आम आदमी पार्टी के विधायक है, आप विधायक है, आराम से बताइए, बताइए क्या कर रहे हैं? विधायक है, बताइए बताइए बताइए, बदमाशी कर रहे हैं लोग। आराम से आराम से, ये जो है वो आदमी है, आराम से आराम से। ठीक है, ये नाराज हो रहे हैं कि इनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, बल प्रयोग किया गया है। हम और तस्वीरें दिखाते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर जब गिरफ्तार हुए तो यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं निधि वो लेट गए थे, और जितना रेजिस्टेंस दिखाया संजय सिंह की गिरफ्तारी में उतना रेजिस्टेंस जो है वो नहीं दिखाया था जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। अभी कोशिश करेंगे कि संजय सिंह के परिवार से अगर कोई रिएक्शन दे पाए। संजय सिंह के पिताजी बाहर हैं, संजय सिंह के पिताजी बाहर हैं। अंकल नमस्कार, संजय सिंह के पिताजी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? अब क्या कहना है, बिना कहे सब समझ रहे हैं, कुछ मिला नहीं। हम लोगों ने कोऑपरेट किया तो छोड़ दिया, आप जांच कीजिए, कुछ मिले तो आप ले जाइए। अच्छा, आप भी अंदर थे 12 घंटे, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे? वो हमसे क्यों पूछेंगे, संजय जी से ही पूछ रहे थे। हाँ, जो कुछ पूछे हमसे क्यों पूछेंगे? आप लोगों ने सहयोग किया जांच में? हाँ, पूरा सहयोग। मैंने कहा था निपटा लीजिए, उधर कुछ मिल गया। आप पिता हैं संजय सिंह के, उनको अरेस्ट किया ईडी ने, क्या भावना है आपकी? हमारी कोई भावना ऐसी गड़बड़ नहीं है, मैं जानता हूँ सर जीतेगा, आज नहीं कल जीतेगा, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। परेशान नहीं है आप, दुखी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ईमानदार आदमी को कहे को दुख होगा। अरे एक मिनट, कुछ कह रहे हैं तो आप ये बताइए, आपके जो जब आप गए अंदर संजय सिंह से बात हुई जाते वक्त, तो मिले आपसे संजय सिंह? हाँ हाँ, मिले। क्या बोले आपने, क्या बोला? हमने कहा पापा आप देखिएगा, हमने कहा तुम घबराना नहीं, सच जो है जीतेगा। ठीक है, आपने सुना आपके पिताजी हैं संजय सिंह के अंदर थे। शरद को हम दिखा रहे हैं दूसरे विंडो में, जब संजय सिंह को ले जा रहे थे, किस तरह से एक कार्यकर्ता, एक महिला कार्यकर्ता गाड़ी के आगे लेट गई थी, लाठी चार्ज भी थोड़ा सा हुआ है, कुछ कार्यकर्ताओं को भावुक हो गए थे जो कार्यकर्ता आम आदमी के। मुझे कहा जा रहा है अब शरद पे हम दोबारे जा सकते हैं। शरद हमारे सहयोगी भी वहीं पे अभी भी मौजूद है। शरद, मेरे साथ संजय सिंह की धर्मपत्नी है अनिता सिंह। मैम, आपके पति गिरफ्तार हो गए हैं, पहली आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। सुबह जब हम लोग सो रहे थे, 6:30 बजे के करीब आ गए थे, तो पिताजी ने एक लड़के को भेजा कि जाओ उठा दो। तो फिर इसके बाद जो है कि हम लोग को उठा, पता चला ईडी आई है, उन्होंने अपना दिन भर का प्रोसेस किया, जो भी करना था, अलमारी, अटैची, जेवर जो भी था, खैर उन्होंने पैसे वैसे को भी ढूंढे थे, मिला नहीं कुछ। तो उनका प्रोसेस लमसम तैयार था, वो बोल रहे थे 2 घंटे का है, 3 घंटे का, करते करते 5:30 बजे उनके ऊपर लग रहा प्रेशर पड़ा है, और ऊपर से आदेश आया होगा कि इनको गिरफ्तार करना है। 5:30 तक कुछ भी नहीं था, सब नॉर्मल चल रहा, नॉर्मल चल रहा था। 5:30 बजे के बाद प्रेशर हुआ कि उनको ईडी गिरफ्तार करेगी और जेल में लेके जाएगी। अच्छा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उस वीर बहादुर पति की पत्नी हूँ, कि मैं लड़ सकती हूँ और मेरे पति भी लड़ सकते हैं, और रही बात, हम लोग को कोई डर नहीं है, और ठीक है उन्होंने ले गए, अगर जो भी उनकी गलत होगा उसको हम लोग देख लेंगे। कुछ सीज वगैरह किया, कुछ जब्त करके ले गए? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई चीज नहीं सीज हुआ है, कोई नहीं, बस सिर्फ अपना उनका मोबाइल सीज किया है। हाँ। और कोई कागज नहीं मिला, कोई चीज नहीं मिला ऐसी चीज कि वो कोई चीज सीज कर पाए। संजय सिंह अक्सर ईडी पे जम के हमले बोलते थे, इतना कोई आमतौर पे नेता टारगेट नहीं करता था, तो लगता था कि एक दिन ऐसा भी आ गया। एक दिन उन्होंने पोस्टर भी लगा दिया संजय सिंह के घर में, फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है, तो आज ईडी आई गई, लगता था आपको आएगी? हाँ, एकदम हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि अगर मनीष जी के यहाँ जा सकती है, सत्यन जैन के यहाँ जा सकती, सबके के यहाँ जा सकती, तो मेरे यहाँ क्यों नहीं। हम लोग पूरा मेंटली प्रिपेयर थे कि एक न एक दिन हमारे यहाँ ईडी आएगी और उसको कुछ नहीं मिलेगा, और वो हाथ निराश करके जाएगी, बहुत ज्यादा प्रेशर होगा तो गिरफ्तार करके लेके जाएगी, वो जेल में डालेगी। बस एक आखिरी सवाल, ये ईडी का केस है, आसानी से जमानत भी नहीं होती है, तो अब आगे किस तरह से क्या करें? अब देखते हैं, वो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, सत्य की जीत हुई है, और हम अगर सच है तो हम कर सकते हैं। तो ये थी संजय सिंह की धर्मपत्नी, कह जरूर रही हैं कि कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन अंदर से ऐसा नजर आ रहा है कि स्वाभाविक है, एक नर्वसनेस है,
एक दुख है कि उनके पति को गिरफ्तार किया गया है और ईडी गिरफ्तार करके ले गई है। और बात यह भी है कि ईडी के केस में आसानी से जमानत भी नहीं होती है, तो इसलिए एक मुश्किल भरा समय परिवार के लिए तो है ही, पूरी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक मुश्किल समय है। जी दीदी बिल्कुल, शरद आप जुड़े ये बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं वो लम्हा हम दिखा रहे थे जब संजय सिंह को ले जाया जा रहा था, तो संजय सिंह के पिता और पत्नी ने यही कहा कि सत्य की जीत होगी। और अब हमें एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो ब्रेक लेते हैं और लौटते हैं, बने रहिए देश की बात के साथ। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तस्वीरें हम देख सकते हैं जब उनको गाड़ी में ले जाकर उनके घर से निवास स्थान से ले जाया जा रहा था। बहुत ही भावुक हो गए थे कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी का वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी शरद शर्मा और सौरभ शुक्ला वहाँ पर मौजूद थे। शरद ने बताया किस तरह से एक महिला कार्यकर्ता तो गाड़ी के आगे ही लेट गई थी, पुलिस को हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ा क्योंकि कार्यकर्ता भावुक हो गए थे। और ये वो तस्वीरें हैं जब गाड़ी में बैठने से पहले संजय सिंह वेव कर रहे थे कार्यकर्ताओं को, और शरद शर्मा वहाँ पर अभी मौजूद है। शरद, आपने उनकी पत्नी से भी बात की, उन्होंने कहा सच की जीत होगी। कुछ देर पहले सौरभ ने उनके पिता से बात की थी, सच की जीत होगी। क्या है वहाँ पर अब स्थिति उनके घर पर? देखिए, अब बाकी सब तो नॉर्मल हो गया है, लेकिन पार्टी के जो कार्यकर्ता जो बहुत जोश में थे, अब वो ये शिकायत कर रहे हैं कि पुलिस ने यहाँ, ये संजय सिंह के घर के अंदर हम हैं, ये इनका ड्राइंग रूम है, जितने नेता कार्यकर्ता आते हैं पहले ही बैठते हैं, तो कार्यकर्ता शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह पर आकर पुलिस ने उनके ऊपर डंडे चलाए हैं। आप लोगों ने कुछ ज्यादा जोर जबरदस्ती करी होगी तभी आए होंगे। नहीं, हम यहाँ आराम से बैठे थे, संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके ले गए थे, उससे पहले हमने सैद्धांतिक तरीके से जय भी सात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक क्या होता है, बाहर से कम 10-15 पुलिस वाले आते और जितने भी कार्यकर्ता थे सबको लटपिटाई करते हुए यहाँ आते। मैं यहाँ बैठा हुआ था, इसको देखो कितनी लट लगे, ये देखो, और अंदर तक घुस के जान बचाइए। ये जो हम लोग सड़कों पे नारेबाजी कर रहे थे उसकी खुन्नस में ये किया गया है, उसकी खुन्नस में किया गया है। कितने साथियों के कपड़े अलग लगे, नीचे लगे, वो लगे, दौड़ा के अंदर तक मारा है, मतलब सीसीटीवी यहाँ है। 15-20 पुलिस वाले अचानक आए, लोगों को खदेड़ते हुए लाए, इनको लाठियां मारी, गाली गलौज किया, पूरा का पूरा सीसीटीवी यहाँ पे लगाया, उसमें अभी मिलेगा। और बदतमीजी उन लोगों के साथ किया, जो दिखा उसके साथ गुंडागर्दी और लाठी डंडे चलाने का इन लोगों ने काम किया। तो पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि पुलिस ने घर के अंदर घुस के उनके ऊपर उनको लाठी से उनके साथ मारपीट की है। लेकिन इससे पहले हमने निधि ये देखा कि जो, और ये एक महिला जो गाड़ी के आगे लेट गई थी, फिलहाल जो है इनकी हालत काफी खराब है। एक नेता के लिए किस तरह से कार्यकर्ता अपनी जान दांव पे लगा देते हैं, बिल्कुल शरद, ये इस महिला से हमें देखने को मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर जो मैं बता रहा था निधि, वो यही बात है कि सोमनाथ भारती हमारे साथ में। सोमनाथ जी, पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल समय आ गया है। मुश्किल समय मोदी जी का है, बीजेपी का है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है किस प्रकार से हताशा में है, निराशा में है। आज यही संजय सिंह है जिसने जन जन की आवाज संसद में पहुंचाई, यही संजय सिंह है जिसने की पीएम मोदी को बार बार घेरा, मणिपुर पर घेरा, मणिपुर में औरतों को नग्न घुमाया गया उस पर घेरा, जवाब नहीं दिया गया। इस संजय सिंह ने उनके नाक में दम कर रखा है, इसी का परिणाम आज ये है। और मैं बता दूं, यही ईडी है जिसने कहा था कि हमने इनका नाम गलती से ले लिया था, कि हमसे गलती हो गई। आज ईडी के पास कौन सबूत हासिल हो गया? तो ये दर्शाता है कि देश के अंदर अनडिक्लेयर डेमोक्रेसी, अनडिक्लेयर इमरजेंसी आ गया है, डार्केस्ट डे ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन इसका बदला 2024 में जनता लेगी। बिल्कुल, और इसी बातचीत के साथ जी, बहुत मुश्किल समय है जी। आपने बात की, इसके लिए फिलहाल धन्यवाद। ये संजय सिंह का निवास स्थान देख सकते हैं और बता रहे थे किस तरह से पुलिस ने बल का प्रयोग घर के अंदर घुस के। फिल्म अभिनेता रणवीर कपूर मुश्किल में दिख रहे हैं। महादेव गेमिंग ऐप ने, ईडी ने रणवीर कपूर को 6 अक्टूबर को समन किया है। आपका प्रचार करते रहे रणवीर कपूर, और आपको बता दें कि महादेव ऑनलाइन ऐप के कॉल सेंटर श्रीलंका, नेपाल, यूएई में है। लेकिन रणवीर कपूर अकेले नहीं है, 10 से ज्यादा अभिनेता ईडी के रडार पर हैं जिन्होंने ऐप के प्रमोशन के लिए काम किया।
really tough period in his life that when he started the film.